अनुमोदित भूमि से अधिक जलीय कृषि और उर्वरक और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से राज्य के पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश एनवी रमना ने शनिवार को पर्यावरण पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1982 में केवल 2 लाख एकड़ में जलीय कृषि की खेती की गई और 1993 बढ़कर 13,50,000 तक पहुंच गई। ये अवैध खेती भूजल में लवणता बढ़ रही है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानून और अदालत के आदेश नहीं, बल्कि लोगों और सभी हितधारकों की जिम्मेदारी गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करेंगे। एक अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव एक स्थानीय ने बताया कि अगर वाइजैग जैसे तीसरे सबसे साफ शहर पर्यावरणीय मुद्दों का सामना कर रहे हैं, तो अन्य शहरों के भविष्य को समझना चाहिए।